गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी हमारी पूजा पाठ हो गई है, राधे राधे लड्डू। तो आज है सैटरडे, तो आज पूरे घर का काम हो गया है, साफ सफाई सब हो गई है। और अब कर लेते हैं हम तुलसी माता की पूजा, क्योंकि कल संडे है। तो कल वैसे भी तुलसी माता को पानी नहीं दिया जाता है, संडे को नहीं देते हम, वीक में और बाकी 6 दिन देते हैं। अगर आप भी संडे को पानी देते हैं तो ना दें। मॉर्निंग फ्रेंड, तो अभी मैं जा रही हूँ मंडी। मेरा घर का सारा काम हो गया है, बैग तालाब पर सब तैयार है, और हम जा रहे हैं गाड़ी से। वो तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी से लेके जा रहे हैं, क्योंकि बीच में गाड़ी बंद पड़ गई थी, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, तो उसको भी बीच बीच में चलाना है। तो हम जा रहे हैं पूजा के साथ में, तो भैया उसको चला लेंगे, तो इसलिए हम जा रहे हैं गाड़ी से। और पर्स रेडी, बैग रेडी, और अभी मेरी मैंने दोनों ताले, तभी मैं लगा देती हूँ लॉक, फिर चलते हैं मंडी में। विंटर सीजन में देखते हैं क्या क्या सब्जियां आई हुई है और क्या रेट में है, क्योंकि यहाँ पे तो बाप रे बहुत ज़्यादा महंगी है, सच में बहुत महंगी है। तभी मैं लॉक लगा ले रही हूँ, फिर हम चलते हैं मंडी। पूजा, अच्छा पूजा की आवाज़ भी ना निकल रही। तो हमें लोगों ने नीचे बुला के, अब लग रहे हैं एक जनी फ़ोन में, एक जना लैपटॉप पे, चैन वाला वाले दलवानी। चलेंगे, अभी कैसी तबीयत है पूजा की? ठीक है तबीयत, तो तभी जा रहे हैं। जब भी जा रहे हैं भैया, काम करना, जाना तो आई। चलो चले, अभी ऑफिस का कर रहे हैं, फिर तो दिल थोड़ी सी दिल मम्मी, हम जा रहे फिर ऊपर अपना करेंगे काम। ऊपर का है तुम्हारी गलतफहमी मैं दूर कर दूं, आया मैं नोट असरेला आदमी, आया मैं क्यूट लेडी। लेडी ना हूं मैं। मैं कहां दे दिख रही, मैं आदमी दे क्या? आंख चेक कराओ अपने, ये काम कर रहे हैं ना, तब तक इस सवाल का जवाब देना, ठीक है? बिना होठो को चिपकाए कोको कोला बोलना है, होठ लिप से लिप्स नहीं भिड़ने चाहिए, और कोको कोला बोलना है, बोलो कोको कोला। अच्छा बिना मतलब, अब होठ को चिपका के बोलना कोको कोला, वो तो अब भी नहीं चिपक रहे। कोको कोला चिपक के कैसे बोल देंगे भाई? वही तो मैं कह रही हूँ, तो मैंने जो बोला तुमने वो समझा ही नहीं, वो चाहे उसको चिपका के बोलो या मत बोलो, वो लिप्स से लिप्स बिठते ही नहीं है। सो फ्रेंड, हम चल दिए मंडी की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ी सी शॉप लगी हुई है, ये देखो घुस जा रहा है। तो मंडी में हम पहुँचने वाले हैं। मंडी में भी ना आप देख सकते हो कि ये धान की खेती हुई थी ना, तो सब लोग अपना धान यहाँ पे बेचने आए थे। पूरी मंडी में धान ही धान हो रखा है, यानी चावल। तो काफ़ी भीड़ थी, सब लोग अपना बेचने आ रहे थे, कोई ख़रीदने आ रहा था। अभी चलते हैं मंडी के अंदर। सो फ्रेंड, मंडी में हमारी एंट्री हो गई है, आप देख सकते हो भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गए थे, 10:30 हो रहे हैं, तो टाइम तो लग ही जाता है। देखो अपने घर भर का भी काम होता है, फिर भैया का ऑफिस का काम था, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। बहुत ही, तो सारी सब्जियां बहुत ही फ्रेश थी, और सच में इनके रेट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। जो ये मैंने मेथी लिया है, ये मेथी है 20 रुपये किलो, तो 10 रुपये की आधा किलो मेरे लिए तो बहुत काफ़ी दिन तक हो जाएगी। तो आधा किलो में तुम्हारे 2 जुट्टी चढ़ गई। खीरे लिए तो खीरे भी हमको पड़े थे 40 रुपये किलो, तो ये भी मैंने आधा किलो लिए थे, क्योंकि अभी ठंडे हैं तो इस वजह से थोड़े कम ही लिए मैंने। और हमने फिर लिए थे इसके बाद शिमला मिर्च जो 30 रुपये किलो थी, गोभी और अदरक भी 33 रुपये। तो सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए हम तो। जी हमने ले ली है, गर्मी बहुत थी तो हमने अपना भाई स्वेटर भी निकाल दिया। और सब्जियों के रेट हम आपको घर पे बताएंगे क्या क्या रेट से हमें मिली है। भाई हद हो गई जो रेट से हमें विंटर सीजन की सब्जियाँ मिली है, पर बहुत फ्रेश फ्रेश मिली है, अच्छी मिली है, लेकिन रेट हम घर पे बताएंगे। फ्रेंड आ गए हम घर, ले आए हैं सारी सब्जी, बहुत ही सच में सस्ती सब्जी है वाकई में। सेब 50 रुपये किलो, अमरूद 20 रुपये किलो, तुम्हारे जो ये सिंघाड़े होते हैं ये है 15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, मतलब ऐसी कोई सब्जी फ्रूट नहीं है कि इस बार आप अफोर्ड ना कर सको। बहुत ही हेल्दी हेल्दी सब्जियाँ हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेश है, आप खा सकते हो बहुत ही आराम से। पालक, गोभी वगैरह सब कुछ, मतलब 20-25, मतलब लास्ट यही रेंज है, कोई भी ये नहीं है कि भैया आप 40-30। लेकिन वो ये देखो यहाँ जो भी देने आ रहा है, ओमा
मैं आ गई हूँ घर। हम लोग तुरंत गए थे फटाफट से मंडी। जब मैंने देखा कि मेरे कान में बाली नहीं थी तो पूजा ने बोला कि दीदी आप एक बार जाके देख लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि कहाँ हो सकती है। तो आप यकीन नहीं मानोगे मुझे मेरी बाली कहाँ मिली है। मेरे कान में मैंने भी देखा, फिर मैंने वीडियो भी देखी जैसे मैंने मंडी जो बनाई, तो उसमें नहीं पता चल रहा था। बट क्या हुआ, मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मेरा एक जगह पे दुपट्टा अटका। मैंने पहले तो सारे ना इन सब्जियों को फैला दिया, क्योंकि देखा कि यहाँ है कि नहीं है। और फिर भैया के साथ मैं गई बाइक से, क्योंकि देखो चाहे हालांकि छोटी सी बाली है लेकिन ये मेरी गुन्नू की बाली है, ये उसके छूचक में आई थी। और सोना तो सोना ही होता है ना, वो कहते हैं सोना खोआ और पाया दोनों ही बुरा होता है। बट टेंशन हो गई थी मुझे बहुत। फिर मैंने हम लोग गए, मैं भैया हम गए, और जाते ही मैंने जैसे ही देखा, फिर मैंने हाँ उनसे पूछ लिया था पंडित, मैंने इनको बोला कि नहीं आप ऐसे से ये टाइम है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसके बारे में ना चीज़ के बारे में पता कर सकती हो। तो मैंने इनको बोला कि 11:30 के समथिंग हम थे मंडी में, और तभी हमने मतलब लास्ट में सबसे लास्ट में ही अमरूद लिए थे, तो आप देखो। तो इन्होंने बोला कि ऐसे पूर्व दिशा में है और मिल जाएगी। मैं मतलब चलो ठीक है, पहले वहाँ देख के आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि देखो वहाँ पे बहुत सारी जनता रहती है, किसी की भी निगाह पड़ गई उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। और मैंने पहले तो सब्जी फैला दी यहीं पे नहीं मिली और टेंशन में, तो तब हमने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था क्योंकि मेरी मतलब बहुत अजीब सी कंडीशन हो गई थी। अभी बज रहे हैं 12:30, तो मेरे घर से आते ही हम लोग गए, सॉरी 12:30 तो मैं वहाँ गई थी, हाँ अभी 1 बज गया है। तो अभी मैं बच्चों को भी लेने जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ, ये मुझसे पहनी भी नहीं जाएगी और पूजा से ही बोलूँगी वो पहनाए। मिल गई वरना मेरा खामखा का ये हो जाता कि देखो 100-200 रुपये बचाने के पीछे में मैंने 1000 रुपये की बलि चढ़ा दी। देखो लगता तो है ही ना नुकसान हो जाए तो, बट ये है कि भाई मिल गई। और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस एक गिलास चाय पी थी, मतलब कप चाय पी थी, बस ऐसे ही घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे लगा कि नहीं मिलेगी तो मुझे लगता भी नहीं कि मैं कुछ खा पाऊँगी, ऐसी टेंशन सी हो जाती है ना। फिर वही है कि ब्लॉग सब देखते हैं तो घर से भी आते फ़ोन अलग से और बैंड बज जाती मेरी, कोई कुछ नहीं कहता लेकिन मुझे ही अपने आप में ना, मैं कोई कहे ना कहे उससे पहले भी रोना धोना शुरू कर देती थी, इसलिए कोई नहीं कहता कि क्या हुआ। बट ये कि भैया मेरी बाली मिल गई है, थैंक यू कि ये, क्योंकि ये मेरी गुन्नू की है और इसका क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मैंने उनको बोला फटाफट से, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपको टाइम कोई भी चीज़ खो गई हो तो टाइम अगर आपके पास में है, अगर आपको पता है कि आपने तब रखा था ना, ये नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम हो ना, बस ये उससे मिलता जुलता हो, जैसे 11:30 का बोल दिया था मैंने कि हम इस टाइम पे थे मंडी, तो वो आपको देख के बता देंगे कि हाँ आपकी ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट इन्होंने बोला कि मिल जाएगी, हम फटाफट से बाइक से गए और हमें मिल गई। वो लोग भी पता है मंडी वाले जहाँ पे मैंने वो लिया था मंडी से अमरूद, तो वो अंकल भी कह रहे कि क्या खो गया आपका मगर, मेरी बाली खो गई। तो बोले कि नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ मैं खड़ी हुई थी तो मैंने वहीं देखा तो मुझे वो मिल गई। तो अंकल मिल गई तो कहते हैं कि कहाँ से आई हो आप, यही होता है नज़दीक का, मगर नज़दीक नहीं है, मैं थोड़ा आई तो दूर से हूँ, बट ये कि मेरी मिल गई। तो वो लोग भी बड़े शौक में हो गए कि वाह मिल गई, कैसे पता चला तुम्हें, मुझे पता था मिल जाएगी, मतलब आस पास में सब मुझे ऐसे देख रहे मंडी में, तो पता नहीं इसको क्या मिली है भैया, मिलना तो है मेरा ही कुआ मिला, मुझे किसी का नहीं चाहिए, मेरे को मेरा ही मिल जाए वही बहुत है। तो अभी मैं जाती हूँ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, फिर मैं धोऊंगी सब्ज़ियाँ क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ भी ऐसी फैली हुई हैं। 1 बज गया तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, क्योंकि मेरा किचन विचन का भी ना इसको रख जाती हूँ, मैं अभी सेफ रख देती हूँ, यहाँ रखने की सोच रही थी पर मैं रखूँगी नहीं, लाइट बंद कर देती हूँ, भूख तो लगी रही है। तो एक अमरूद ले लेती हूँ, लगा लेते हैं लॉक, जा रहे हैं हम बच्चों को लेने के लिए। अमरूद खाते खाते हम पहुँच गए हैं स्कूल के पास में, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट तो हो ही गई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रही हूँ। हाँ अभी उस बैग में भी है, इनको खोलेंगे धोएंगे, बहुत थक गई मैं आज बहुत ज़्यादा, अभी नहीं, हाँ अभी नहीं खाना, ये पत्ते तो होते ही हैं पेड़ से तो टूटते हैं, धो के खाएंगे, पत्ते नहीं है।
तो तोड़ दिए, इनको धोएंगे फिर करेंगे। हाँ ड्रेस कर लेना और हम कपड़े वपड़े भी चेंज कर लेंगे और आपने मेरी जल्दी से प्रैक्टिस भी करवा देना। काहे की प्रैक्टिस करा दूँ? डांस की क्यों? कंपटीशन होगा। कब? मंडे को। अच्छा, अगर मंडे को नहीं हो पाया तो सैटरडे को होगा। ठीक है, करा दे। काम करना है, वहाँ पे गेस्ट आएंगे, टीचर। अच्छा जी, जो बच्चे जो डांस नहीं कर पाते वो भी आएंगे। अच्छा, और तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा कंपटीशन? इसको आता भी नहीं है डांस करने। तभी तो, अगर ये नहीं होता ना तो डांस भी नहीं कर पाती, ये आया ही नहीं। और ये तो अच्छा हुआ कि मेरा डांस भी नहीं होता था, करा दो तो। और इसकी क्लास की एक लड़की है चारू, बहुत अच्छा डांस किया था। गरिमा ने, गरिमा नर्वस हो गई थी। तुम भी हो जाती हो नर्वस? तो अभी मैं कर लेती हूँ बच्चों के कपड़े चेंज। लेकिन मैंने तो कुछ कपड़े पहले ही अब दिखा दूँ क्या क्या उतार दिया? नहीं वो मेरी और प्रयाग की, हमारी सबकी प्राइवेट बातें, हम नहीं दिखाएंगे। तो अभी कपड़े चेंज करके फिर मैं इन सब्जियों वगैरह को धोऊंगी। यहाँ पे सारी सब्जियों को अच्छे से धो के रख दिया है धूप में, जैसे कि मैं पहले भी करती थी। तो धूप में रखने से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब कोरोना चला था तभी से रखते आए हैं हम, तो बहुत ही सारी सब्जियां फ्रेश हैं और सस्ती भी है। तो आप विंटर सीज़न में खूब अच्छे से खाओ पियो भैया, खाने पीने पे बहुत बढ़िया से अपना ध्यान रखो। तो ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कैसा लगा आपको कमेंट कर जरूर बताएँ।